हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर पेट्स ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों आप लोग की दुआ, आप लोग की प्यार की वजह से मैं भी बहुत ही बढ़िया हूं। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है ना वो कुछ अलग टाइप का होगा। यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए मैं बहुत सारा फिश खरीदा, एक्चुअली टैंक के अंदर रखूंगा। यहाँ पर देखिए चीतल फिश है, वो मैं एक्चुअली एक्वेरियम के अंदर रखूंगा। एंड ये जो है ना, इनके लिए मैं एक छोटा सा तालाब बनाया, वहां पर मैं रखने वाला हूँ। सब लोग के साथ बने रहे। तो दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ पर वॉकिंग फिश था, तो यहाँ से मैं जो वॉकिंग फिश है ना वो हटाया। एंड देखिए यहाँ पर क्लीन किया गया है, एंड जो पॉन्ड है ना उसको थोड़ा बड़ा किया गया है। तो अभी मैं यहाँ पर पानी देने वाला हूँ। ये देखिए पानी आ गया है। दोस्तों आप सभी को पता है हमारे तालाब में काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो ये जो कैटफिश है ना ये हम तालाब के अंदर नहीं रख सकते, ये मर जाएगा। ज़्यादा पानी में रखने से ये मर जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा तालाब बनाया जो पहले ही था, बट थोड़ा बड़ा किया गया है। तो इन फिश को मैं यहाँ पर रखूँगा, एंड जब ये बड़े हो जाएगा ना तब मैं तालाब में छोड़ दूंगा। जैसे कि मैं जो वॉकिंग फिश है उनको छोड़ दिया, सेम इसके साथ भी होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने सारे कैटफिश है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फिश के बच्चे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पानी है ना वो यहाँ पर आ रहे हैं। नहीं, पानी काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा पानी रखने से ये यहाँ से भाग सकते हैं, क्योंकि इसका नाम है कैटफिश तो भाग सकते हैं। सो अभी मैं यहाँ पर जो फिश है दोस्तों वो छोड़ने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर टोटल 70 कैटफिश है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत फिश है, ये देखिए 3 इंच का होगा। तो यहाँ पर मैं छोड़ दिया, ये देखिए कितना मज़े से तैर रहे है। एंड ये हो गया 3, देख सकते हैं आप लोग, ये ले लो यहाँ पर, ठीक है। हाँ ठीक है, दोस्तों ये जो है ना काफ़ी खूबसूरत है, देखिए व्हाइट कलर के, एक्वेरियम के लिए परफेक्ट है। बट ये हम एक्वेरियम के अंदर नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये जो छोटे छोटे फिश है ना वो खा जाएगा। सो यहाँ पर ही बेटर है। और एक मिला है, ये देखिए ये भी थोड़ा व्हाइट कलर के है। तो अभी जो शीतल फिश है ना दोस्तों, इनमें से एक फिश एक्वेरियम के अंदर छोड़ देने वाला हूँ, एंड जो 3 फिश है वो मैं तालाब में छोड़ दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ये है चेतल फिश, तो अभी मैं इसको तालाब में छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर छोड़ दिया, और इन दोनों को मैं एक साथ छोड़ देने वाला हूँ। यहाँ पर छोड़ दिया, एंड ये जो बचा हुआ है ना दोस्तों ये सबसे बड़ा है उनमें से, तो इसको मैं एक्वेरियम के अंदर रखूँगा। दोस्तों इसको क्या करना है, एक्वेरियम के अंदर 10 से 15 मिनट ऐसे ही रखना है। इससे क्या होगा दोस्तों, इस पानी का जो टेम्परेचर है ना वो इस पानी के साथ मैच हो जाएगा, देन जो चीतल फिश है वो यहाँ पर कंफर्टेबल फील करेगा, यहाँ पर रह सकते हैं, अदरवाइज इनका डेथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से 10 से 15 मिनट ठीक है रखूँगा, तो उसके बाद ही पॉलीथीन से निकालूंगा। तो यहाँ पर मैं रख दिया, देखिए ये यहाँ पर घूम रहे है, ये देखिए। तो दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, इसके अंदर ये जो चीतल फिश है ये रखना ठीक है नहीं, आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे इसके बारे में इतना जानकारी नहीं है, एक्वेरियम के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। सो अगर आप लोगों में से किसी को नॉलेज है ये रखना ठीक है या नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें, क्योंकि आप लोग जो कहेंगे वही मैं करूंगा, ठीक है। दोस्तों जिसके पास एक्वेरियम है उसके पास हीटर भी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है फिश के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास है एक हीटर जो इसके अंदर है, तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। एक्चुअली काफी बड़ा बैग सर ने दिया है, एंड इसके अंदर दोस्तों हीटर, ये देखिए पैकेजिंग काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो चलिए इसको खोलते हैं, ये देखिए कितना अच्छे तरीके से पैकेजिंग किया है, क्योंकि ये ग्लास का है तो टूट सकते हैं, है ना, ये देख सकते हैं। पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपके पास एक्वेरियम है, अभी तक आपने कोई भी जो हीटर है वो यूज़ नहीं किया है, तो इसको आप ज़रूर खरीदें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। ये देखिए
ऑलमोस्ट ओपन हो गया है, ये देख सकते हैं। इसके बारे में क्या ही बताऊँ, है ना, मज़ेदार चीज। तो यहाँ पर है हीटर, ये देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मॉडल नंबर सब कुछ यहाँ पर है। एंड देखिए 75 वाट का है, जो मैंने एक्वेरियम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है क्लिप्स, सबसे पहले क्लिप्स दिया गया है, कैसे फिटिंग करना है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, बट सबसे पहले हम हीटर को देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है हीटर। एंड यहाँ पर भी अच्छे तरीके से पैकेजिंग किया गया है। ये देखिए यहाँ पर प्लास्टिक है एंड ये है ग्लास। और जो क्लिप्स है ना दोस्तों, वो आपको लगाना है यहाँ पर, यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर लगाएंगे तो जो ये है ना, ये एक्चुअली डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको एक्वेरियम के अंदर फिटिंग करते हैं। यहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले क्लिप्स को लगाता हूँ, ठीक है। पानी के अंदर ले जाके इसको लगाना बहुत ही हार्ड है। सो ये देखिए एक क्लिप्स लगाया एंड सेकंड को भी लगाता हूँ। ये देखिए हो गया है, अब इसको एक्वेरियम के अंदर फिटिंग करना है। दोस्तों शीतल फिश को रखा मैंने, 15 मिनट हो चुका है, तो अभी मैं यहाँ पर इनको रखने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले इसके अंदर जो चीतल फिश है ना वो रखते हैं। काम हो गया। अरे रुको 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 दोस्तों, ये है हमारा चीतल फिश, देखिए ये थोड़ा बड़ा है। तो चलिए दोस्तों इसको इस एक्वेरियम के अंदर छोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं छोड़ दिया, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यार, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बट हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो हीटर है ना ये यहाँ पर लगाना है। तो इस कोने में रखता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ही बेस्ट होगा, क्योंकि एक्वेरियम के अंदर इतना जगह नहीं है, क्योंकि देखिए दो फिल्टर लगा हुआ है एंड एक छोटा सा हाउस भी है यहाँ पर, देख सकते हैं। सो मैं इस साइड में ये जो फिल्टर है ना ये लगाया, एंड चलिए इसको ऑन भी कर दिया, ठीक है। ये देखिए अभी मैं इसको ऑन करने वाला हूँ, ये यहाँ पर लगाया। ये देखिए दोस्तों हमारा जो हीटर है ना वो ऑन हो गया है, एंड ये जो पार्ट है ना ये रेड हो सकता है। एक्वेरियम के अंदर जो हीटर है ना दोस्तों, इसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे टेम्परेचर सेट करना है, ये सब कुछ मैं आप लोग को आने वाले ब्लॉग में डिटेल्स के साथ बताऊंगा। तो अभी दोस्तों कोई टेंशन नहीं रहेगा कि पानी का टेम्परेचर लो हो गया है या ज्यादा हो गया है, ये जो हीटर है ना ये कंट्रोल करेगा। दोस्तों आज है संडे, तो मैं घूमने के लिए मौसी के घर आया था, एक्चुअली मंडे ही आया था। तो आज सुबह मुझे बहुत ही खूबसूरत चीज़ें देखने को मिला, यहाँ पर देख सकते हो शायद आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो राजा डक्स है ना वो है, करीब जाके मैं आप लोग को अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे राजा डक्स है। ये देखिए यार, ये तो गिनती करना ही मुश्किल हो जाएगा, इतने सारे है यहाँ पर। ये देखिए बहुत सारे है यार, ये मैं फर्स्ट टाइम देखा, इतने सारे एक घर में पालते हैं। देखिए आप लोग बहुत सारे हैं, एंड घुंघरू भी पहना गया है इनके पर में, इसके पैर में तो घुंघरू है। ये देखिए, और देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर राजडाक है, देख सकते हैं, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत एंड यूनिक लग रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को देखने में कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये देखने में वाकई काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों ये लोग यहाँ पर ये जो घास है ना ये देखिए ये खाने के लिए आया है। दोस्तों मैं एक्चुअली यहाँ से दो बाय करने की सोच रहा हूँ, तो पता नहीं क्या होगा, एक्चुअली घर से मना कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बाइट करते हैं, घर में जो भी आते हैं ना उनको बाइट करते हैं, तो इसलिए मम्मी मुझे मना कर रहे कि मत लेना, अगर बच्चे हैं तो ख़रीदना, बट यहाँ पर तो बच्चे है ही नहीं। देखिए आप लोग सब बड़े बड़े हैं, लगता है ये मेन है इस ग्रुप का, ये मेन है। देखिए ये आगे आगे जा रहे हैं एंड ये भी पीछे पीछे जाना शुरू किया है। ये देखिए, और उस ग्रुप में वो हेड है, देखिए आप लोग कितना खूबसूरत लग रहे हैं, और इसके पैर में भी घुंघरू है,
देखिए, अरे कितना खूबसूरत लग रही है यार, ये देखिए मज़ा आ गया सच में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और इस चैनल के साथ जुड़े रहे। खुदा हाफिज़।